Everyone, welcome back to our channel. So we are back again with a new recipe. It's recipe of chole. Hope so you like it, and if you do, please do like, share and subscribe to our channel. तो ये मैंने छोलों को ले लिया है और हमने इसे ओवरनाइट सोक कर लिया था. तो बॉईल करने के लिए हम इसमें हल्दी डालेंगे, एक पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे, ये हमने मसाले ले लिए हैं, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और गरम मसाला. और खड़े मसालों में हमने ले लिया सौंफ, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जीरा, लौंग और जायत्री. तो मैंने फाइनली चॉप कर लिया गार्लिक को, दो मिर्ची ली हैं, तीन प्याज लिए हैं और चार टमाटर चॉप करके ले लिए हैं. तो एक पैन में मैंने सरसों का तेल ले लिया है, अराउंड 3-4 टेबलस्पून. हम गर्म होने तक इसका वेट करेंगे, उसके बाद हम इसमें सारे खड़े मसाले डाल देंगे. यहाँ पर मैंने दो बे लीफ भी ऐड किए हैं. अराउंड हाफ टी स्पून हमने इसमें हींग ऐड की है. अब हम इसमें गार्लिक ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से सौते करेंगे. दोनों मिर्चियां भी आप इसमें ऐड कर दीजिए. कवर करके मैंने 2 मिनट लो फ्लेम में कुक किया है. उसके बाद इसमें मैं फाइनली चॉप करके अदरक ऐड कर दूंगी. वापस अराउंड 2 मिनट इसे सौते करके हम इस पे अनियन ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अराउंड 5 मिनट इसे मैंने लो फ्लेम में कुक किया है. उसके बाद अब हम इसमें टमेटोज ऐड कर लेंगे. लिड लगा के लो फ्लेम में हम मशी होने तक कुक करेंगे. इस मोमेंट में मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर दूंगी, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर. बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे.
अभी स्टेज में मैं इसमें करीब 20 to 25 छोले ऐड कर दूंगी। जब हम इसे ग्राइंड करेंगे तो इसका बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जाता है। हम इसे एक ग्राइंडर में डाल देंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। उसी सेम पैन में मैंने घी ऐड कर दिया है और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है। इसे हम इस मोमेंट में लो फ्लेम में रखेंगे और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम हमारा टमेटो अनियन का पेस्ट ऐड कर लेंगे। देखिए अगर हम इसे छोले ऐड करके इसे ग्राइंड करते हैं तो एक स्मूथनेस आ जाती है, तो उसी स्मूथनेस के लिए हमने इसमें छोले ऐड किए थे। आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स करते रहेंगे जब तक इसका पूरा पानी इवेपोरेट ना हो जाए। इसके बाद हम इसमें सारे बॉइल्ड छोले ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके इसमें छोले का पानी डाल के कुक होने देंगे मीडियम फ्लेम में। इसमें छोला मसाला ऐड कर लेंगे अराउंड 1 टेबल स्पून और अच्छे से इसे मिक्स करके छोड़ देंगे। इसमें उबाल आने लग जाए तो हम इस पे कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। कसूरी मेथी को मैंने पहले ही रोस्ट कर लिया था अराउंड 6 to 7 मिनट्स हाई फ्लेम में। हम इसे कॉन्स्टेंटली मिक्स करते रहेंगे। अब हम इसे गार्निश कर लेंगे अदरक और धनिए के साथ। हमने कुछ इस तरीके
से की है, हमने राइस के साथ किया, आप इसे इंजॉय कर सकते हैं कुलचे के साथ या फिर भटूरों के साथ। होप सो यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू डू प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड विद दिस नोट अंटिल वी मीट अगेन बाय बाय टेक केयर।